देश में मंदी भले ही ना आई हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती का असर भारत के उन उद्योगों पर दिखने लगा है जिनमें बना सामान विदेशों को एक्सपोर्ट होता है। देश के कपड़ा उद्योग को ही देख लीजिए। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक सुस्ती ने वहां पर भारतीय कपड़ों के लिए मांग घटा दी है और देश से कपड़ों के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर के दौरान देश से रेडीमेड कपड़ों का निर्यात 28 महीने के निचले स्तर तक टूट गया। सिर्फ 98,87,00,000 रुपए के रेडीमेड गार्मेंट का एक्सपोर्ट हो पाया है। कॉटन यार्न एक्सपोर्ट का भी ऐसा ही हाल रहा। अक्टूबर में इसके निर्यात में 46% की भारी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 71,90,00,000 रुपए कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट हो पाया है। पहले कच्चे माल की कमी से कपड़ा उद्योग जूझ रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट मांग को पूरा करने जितना उत्पादन ही नहीं हो पा रहा था। अब कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन कमजोर वैश्विक मांग की वजह से एक्सपोर्ट में गिरावट बढ़ते ही जा रही है। देश के बड़े टेक्सटाइल हब त्रिपुर से निटवेयर एक्सपोर्ट्स के आंकड़े ही देख लीजिए। अगस्त में त्रिपुर से नेटवेयर एक्सपोर्ट में 17.4% की गिरावट देखने को मिली थी, जो सितंबर में 33% के ऊपर पहुंची और अक्टूबर में 40% के करीब लुढ़क गई। और कपड़ा एक्सपोर्ट में गिरावट ऐसे समय पर आई है जब देश के उद्योगों के लिए कपास के तौर पर कच्चा माल 6 महीने पहले के मुकाबले 25% से ज्यादा सस्ता हो गया है। मंडियों में कपास का भाव प्रति क्विंटल 9,000 रुपए के नीचे आ गया है। जून में यही भाव 11,000 से 12,000 रुपए के बीच पहुंच गया था। दुनिया भर में महंगाई के खिलाफ लड़ाई में कर्ज महंगा किया जा रहा है और मंदी को बुलावा दिया जा रहा है। भारतीय कपड़ों के बड़े बाजार यूरोप के कुछ देशों में तो मंदी दस्तक दे चुकी है, कई और देशों में पहुंचने वाली है और ऐसी स्थिति में भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात पर और असर पड़ सकता है। और कपड़े ही क्यों, ज्वेलरी, मसाले, चावल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फुटवेयर जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाली इन सभी वस्तुओं के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोप को ही जाता है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।